तो गाइस जैसा कि आपने एपिसोड 1 में देखा है कि फ्रैंकलिन एक मास्क लेता है जो घर में जाता है पहन के सिंचैन को डरवाने के लिए, जहां सिंचैन और चॉप मछली फंसा रहे होते हैं। तभी फ्रैंकलिन आता है और सिंचैन को डरवा देता है। सिंचैन बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। फिर सिंचैन बोलता है, फ्रैंकलिन भैया आपने तो आइडिया बनाया था ना सर्बियन डांसिंग लेडी को पकड़ने के लिए। तो फ्रैंकलिन बोलता है, हाँ ठीक है चलो हम लोग आज रात ही सर्बियन डांसिंग को पकड़ने निकलेंगे। और इन लोग रात होते ही निकल जाते हैं सर्बियन डांसिंग लेडी को पकड़ने के लिए, जहां मुलाकात हो जाती है फ्रैंकलिन के अपने ही भाई से, जो वो बहुत ही खतरनाक दानव बन चुका होता है। फ्रैंकलिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तेरा भाई हूँ, पर वो किसी हाल में समझता नहीं है। उधर सर्बियन डांसिंग लेडी ब्रूहो को बुला रही होती है अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। तभी फ्रैंकलिन का भाई किल्विस फ्रैंकलिन को लेकर सर्बियन डांसिंग लेडी के पास पहुंच जाता है और वहीं पे सर्बियन डांसिंग लेडी फ्रैंकलिन को किडनैप कर लेती है और बेहोश कर देती है। फिर सिंचैन अपने ऑडियंस से बोलता है, कमेंट्स में पार्ट 2 लिखो ताकि फ्रैंकलिन को जिंदा कर दे। तो ठीक है दोस्तों, अब अगला एपिसोड देखिए पार्ट 2। अरे यार प्लीज मेरे फ्रैंकलिन भैया को कोई तो बचाने आ जाओ, कोई तो बचाने आ जाओ। मुझे पता है मेरे घर में तो कोई ऐसा शख्स नहीं बचा जो हम लोग को बचाने आए। अगर कोई बचाने नहीं आया तो ये गॉड हेल्पर फ्रैंकलिन भैया को इस आग में जला देगा। इन लोग को कहना है कि अगर फ्रैंकलिन को इस अवंतल के साथ आग में जला दूंगा तो मेरी शक्ति दुगना हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे फ्रैंकलिन भैया आग में जले। प्लीज दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे फटाफट से, ताकि मुझे मेरे फ्रैंकलिन भैया और चॉप को बचाने आ सके कोई। ओए बुड़ू, सच में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम लोग को कोई बचाने आ सके। अरे हेल गॉड, कितना टाइम लगेगा इस फ्रैंकलिन को मार के अपनी शक्ति वापस लेने की। मुझे सबर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फ्रैंकलिन का भाई जो है ना, वो कभी भी ठीक हो सकता है। उस पे हमारे जादुओं का असर खत्म हो सकता है, इसलिए जल्दी पंतर का चाप कर और फ्रैंकलिन को मार के पूरी शक्ति ले ले। मैं चाहती हूँ कि मैं इस लॉस सैंटोस पर राज करूँ और सब मुझसे खौफ खाएं और डरे। इसके लिए मुझे शक्ति की जरूरत है। और तू क्या बड़बड़ा रहा है सिंचैन, तुम लोग को कोई नहीं बचाने आ सकता कोई भी। हेलगॉड बताओ कितना टाइम लगेगा ये फ्रैंकलिन की बलि चढ़ाने में। सबर करो सर्बियन डांसिंग लेडी, सबर करो, अभी 1 घंटा है, क्योंकि वो आत्माएं नहीं आ पा रही जिन्हें मैं बुला रहा हूँ। वो रूहें पता नहीं कहाँ भटक रही हैं, इसके लिए 1.5 घंटे लग सकते हैं। मुझे सबर नहीं होता है हेलगॉड, जल्दी करो। कहा सर्बियन, तुम तो और अच्छा खासा फ्रैंकलिन तो बेहोश पड़ा है, उसको कौन बचाने आएगा? उसके घर में कोई है भी नहीं बचाने वाला, फालतू डर रही हो। चलो हमारे साथ जल्दी से कोल्ड ड्रिंक पी लो, मस्त पार्टी किया जाए। अरे नन, जब तुम मरेगी तब तुझे समझ में आएगा कि मैं तुझसे कहा क्या करती थी, जो हर चीज को तू हल्के में लेती है, समझी ना। और वैसे भी वो फ्रैंकलिन का भाई कहाँ है? किल्विस। अरे तुमको कहा बताया कि किल्विस कहाँ का भाई? अगर बता देंगे तो हमको चिल्लाओगी। क्या कर रही है सर्बियन, धक्का मार रही है। अच्छा ठीक है बता देते हैं, जब तुम इतना जिद करती हो तो। वो किल्विस गवाह है, मान लिए कोल्ड ड्रिंक ले, बहुत मस्त है, हमारा पीने की दिल कर रहा था इसलिए हम उसे कोल्ड ड्रिंक लेने भेज दिया। अरे बेवकूफ लड़की, तुझे उसे यहाँ से भी नहीं भेजना था। तुझे पता है ना हम रूहों को बुला रहे हैं जो बहुत बिगड़ी है, हमारे अंडर में नहीं आने वाली, और उन्हीं को मार के हमें मिलेगी शक्ति, और तूने उसे भेज दिया। तुझे पता है हमारी शक्ति खत्म हो चुकी है, हमें अगर कोई बचा सकता था सिर्फ फ्रैंकलिन का भाई किल्विस जो हमारे अंडर में है। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी नन, अब जाओ उसको ढूंढ कर लेके आ जल्दी से। नहीं नहीं तू नहीं जाएगी, मैं खुद जाती हूँ उसे ढूंढ कर लेकर आती हूँ। पता नहीं किस पनौती टाइम में तू पैदा हो गई, जो मेरे जिम्मे मेरी माँ छोड़ के चली गई। तू हमेशा हर काम उल्टा करती है। अरे चिल्लाओ नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी, मूड ना खराब करो, हम ही जाते हैं ढूंढ के लेके आते हैं। तुम बैठ के अपन मंत्र और संतर पढ़ो। ताने कहां से हम सर्बियन डांसिंग लेडी के बहन बन गए हैं, हमको तो एक इंसान बनना चाहिए था। हमें इंसानों की जरा जिंदगी जीना पसंद है। अगर हमको कभी मौका मिला कि हम इंसान बन सकते हैं तो हम जरूर इंसान बन के इंसानों की जिंदगी जियेंगे, मस्त खाएंगे पियेंगे उड़ाएंगे पैसा, एक से एक बिक्चा पर कर जाओ। जा रहे सर्बियन? अरे यहाँ नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ, मैं जाकर लेकर आऊंगी उसको द किल्विस पिब्लिस को। चल भाई चलती हूँ। ये लड़की मेरी बात नहीं सुनती है, हमेशा अपनी मनमानी करती है। अरे ये क्या हो गया हेलगॉड, आग कहाँ चली गई? सबर करो सर्बियन, ये आग रूहों के पास चली गई है, अब वो आने ही वाली है थोड़ी देर में। अरे यार प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग को कोई बचाने आए ना चॉप। ओए वीडियो जल्दी जल्दी करो, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे और फ्रैंकलिन को बलि चढ़ा देंगे। किसे बुला रहा है सिंचैन?
तेरी ऑडियंस ना तुझे लाइक करेंगी और ना ही सब्सक्राइब करेंगी, जिसके वजह से तुझे कोई भी बचाने नहीं आएगा। देख लेना, कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा। देख लेना, मेरी ऑडियंस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगी, कोई ना कोई जरूर बचाने आएगा। कौन है जो मेरे फ्रैंकलिन को किडनैप करके रखा है? ठीक है, मेरा वक्त आ चुका है कि अब मैं उठूं इस कब्रिस्तान से और अपने बेटे फ्रैंकलिन को बचाऊं। मैं आ रहा हूँ सर्बियन डांसिंग लेडी, तो क्या सोचती है मैं आ नहीं सकता? तो ठीक है फ्रैंकलिन मेरे बेटे, तुम डरना नहीं, मैं आ रहा हूँ, चलता हूँ मैं। ठीक है, आ गया मैं सर्बियन। मैं आ गया सर्बियन तुझसे अपने बेटे का बदला लेने। तूने क्या सोचा मेरा बेटा इस जान में लावारिस है? ऐसा नहीं है, उसका बूढ़ा बाप उसके साथ है सर्बियन। ले चाप सुनो, ये फ्रैंकलिन भैया के डैड हैं। ओए बुढ़ू, मैं भी देख रहा हूँ, टकल तो मिल रही फ्रैंकलिन भैया में, बाकी इसकी पूरी शरीर अजीब दिख रही है। अरे हाँ यार, इसकी शरीर तो पूरी रेड है, इसके हाथ भी बड़े अजीब से हैं। तो क्या सोचता है बुड्ढे कि तू बच जाएगा? भी तुझे नहीं पता मेरी शक्ति का अंदाजा बिल्कुल नहीं है, नहीं तो तू यहाँ मरने के लिए नहीं आता। हेलगार्ड, बुलाओ अपनी आत्माओं को और इसे तबाह करवा दो। सर्बियन डांसिंग, अभी वो खतरनाक क्रू है, नहीं आ सकती हैं, उन्हें आने में भी एक घंटा लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या हुआ सर्बियन, डर गई तुम? तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकती हो, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, समझी ना? एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, जो भी हो तू, मेरा मुझे तेरा नाम नहीं पता है। मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि तू अगर मुझे मार भी देगा तो तेरा फ्रैंकलिन कभी सही नहीं हो सकता, उसके ऊपर भूतों का साया है, वो पागल हो जाएगा, पर सभी कभी नहीं हो सकता। अगर सही कोई कर सकता है तो वो मैं कर सकती हूँ, मेरे सिवा कोई सही नहीं कर सकता उसे। अरे ऐसा तूने कौन सा जादू किया है सर्बियन, जो मेरे बेटे के ऊपर रूहों का वास होगा? हाँ तो तुझे पता तभी चलेगा जब फ्रैंकलिन होश में आएगा। तो ठीक है डेविल गॉड, तुम इससे लड़ो, मैं चलती हूँ यहाँ से, भागती हूँ। अरे अंकल जल्दी पकड़िए, वो भाग रही है। तू नहीं भाग सकती सर्बियन, मैं तुझे पकड़ लूंगा, कहाँ जाएगी भाग के? सर्बियन को मारने से पहले तुझे मुझे मारना पड़ेगा बुड्ढे, चल तू मुझसे लड़ने के लिए रेडी हो जा, पता नहीं कब्रिस्तान से कहाँ से उठकर चला आया है। रुक जा, अभी तुझे मैं बताता हूँ, तू सर्बियन डांसिंग लेडी को बचाएगा, तो ठीक है तू मरने के लिए रेडी हो जा। ये ले। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी मुझे बचाओ, इस बुड्ढे के पास पावरफुल शक्ति है और थॉर वाली। तूने मुझे हल्के में लिया था, फ्रैंकलिन के बाप को हल्के में लिया था। ये ले हेलगॉड, तुझे मैं तबाह कर दूंगा। हेलगॉड मुझे बचाते बचाते मारा गया, बहुत वफादार था। ठीक है मैं यहाँ से भागती हूँ जल्दी से, नहीं तो ये बुड्ढा मुझे मार डालेगा, इसके पास बहुत पावर है। चलता हूँ, नन ने जो कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी वो मिला ही नहीं है, उसे चल के बता देता हूँ कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं है, थम्सा मिलेगा, डिप खत्म हो चुकी है। ठीक है चलता हूँ सर्बियन और नन के पास। ये क्या, ये तो फ्रैंकलिन का भाई है। ठीक है बुड्ढे, तूने मेरे कब्जा किया अड्डे पे ना, देख कब्जे और तेरे बेटे से कैसे लड़वाती हूँ। ठीक है चलती हूँ। सुनो किलबीस। हाँ बोलो सर्बियन, क्या हुआ? हुक्म करो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। मुझे तो ये पता है कि जो मैं कहूँगी वही तू करेगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुन। तू जा, जहाँ मेरा घर था वहाँ पे एक बुड्ढे ने हमला किया, उस बुड्ढे को तुझे खत्म करना है, समझे ना? जी हुकुम सर्बियन। ठीक है मैं जाके उसे खत्म कर देता हूँ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, कहाँ पे है वो बुड्ढा? तो वहाँ पर है। ठीक है चलता हूँ। अब मजा आएगा जब बाप बेटे में लड़ाई होगी,
फिर मैं देखती हूँ ये बाप और बेटे कैसे लड़ते हैं। ये इसका बाप बड़ा हमदर्द बनता है ना, देखती हूँ अपने बेटे को कैसे जान से मारता है। अगर नहीं मारेगा मोहब्बत में आके तो बेटा तो इसे ख़त्म ही कर देगा ना। अगर इसने अपने बेटे को मारा तो पूरी ज़िंदगी पछताएगा। तो ठीक है चल सरबियान, देखती हूँ मज़ा बाप बेटे की लड़ाई में, बड़ा मज़ा आने वाला है। चल सरबियान देख मज़ा कहाँ है। वो है ठीक है, मैं इधरी से छुप के देखती हूँ। हाँ, ये जगह बिल्कुल सही है, यहाँ थोड़ा कम क्लियर दिख रहा है। आगे चलती हूँ, छुप के देखूँगी बढ़िया बैठ के यहाँ से। ठीक है बैठ जाती हूँ, अब देखती हूँ बाप बेटे की लड़ाई। बेटा तुम यहाँ पे कैसे आ गए, और तुम्हारा हाल ये किसने किया? तुम्हारे सर पे 6-6 एवेंजर्स की शक्ति किसने डाली बेटा? हाँ वो देखो बेटा, वो तुम्हारा बड़ा भाई फ्रैंकलिन जो बेहोश हो गया है। अब तुम भी घर चलो बेटा, मैं तुम्हें भी ठीक करवा दूंगा जादू शक्ति से। मुझे कहीं भी जाना पड़ा तुम्हारे लिए मैं चाहूंगा बेटा, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर। कौन बेटा और कहाँ का बेटा, किसका बेटा? मैं तो तुझे ख़त्म करने आया हूँ बुढ़े, तू कभी नहीं जिंदा रह सकता। तूने सर्बियन डांसिंग पर हमला किया ना? मेरा तो मुझ पे हमला कर सकते हो, पर बेटा मैं तुम पे हमला नहीं कर सकता बिल्कुल भी, क्योंकि तुम मेरे औलाद हो और कोई बाप अपने औलाद को नहीं मारता। ना ही तुम मेरे डैडी हो और ना ही मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मरने के लिए रेडी हो जाओ। अरे बेटा प्लीज़ बेटा मुझे छोड़ दो बेटा, बेटा प्लीज। अरे सुनो, ये तुम्हारे डैड है, तुम अपने डैड को क्यों मार रहे हो? उनके पास तुमसे ज्यादा वाली खतरनाक शक्ति है, पर वो तुम्हें नहीं मार रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें अपना बेटा समझते हैं। प्लीज मत मारो उन्हें। ओए बिड़ू तू पागल है क्या, तू अपने डैड को मार रहा है? क्यों मार रहा है? तेरे डैड तेरे से ज्यादा मजबूत है। हाँ वो तुझे भी मार सकते हैं पर तुझे मार नहीं रहे क्योंकि वो तुझे प्यार करते हैं। पर बेवकूफ तू अपने डैड नहीं समझ पा रहा है तू। हाँ जाने दो, अगर मेरा बेटा मुझे मार के खुश होता है तो ठीक है बेटा, मैं मरने के लिए रेडी हूँ, तू मुझे मार ले खुशी से। वो तो मैं मारूंगा ही, क्योंकि ना ही तू मेरा बाप है, ना ही मैं तेरा बेटा हूँ और ना ही मेरी कोई फैमिली है। अगर कोई इस दुनिया में है तो सिर्फ और सिर्फ सर्बियन डांसिंग लेडी है बस। ठीक है बुढ़े मरने के लिए रेडी हो जा। चल ठीक है निरस्त भवा। अरे बेटा प्लीज बेटा मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने कहा ना बुढ़ा मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तो बार बार मुझे बेटा बेटा मत कह, समझे ना। बड़ा मजा आ रहा है देख के बाप बेटे की लड़ाई। बेटे ने बाप को इतना पीटा कि बाप बेहोश, पर बाप ने बेटो को एक जादू भी नहीं मारी, जिसकी बाप ज्यादा जादूगर है और मजबूत भी है। ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ और जाती हूँ गुनाहों को देवता के पास, उससे बात करती हूँ अपनी शक्ति के बारे में और तुम सबको खत्म कर दूंगी खत्म। चलती हूँ निकलती हूँ यहाँ से। अरे ये क्या नन यहाँ पे क्या कर रही है? अरे नन तू यहाँ पे क्या कर रही है? चल जल्दी यहाँ से भाग। वो फ्रैंकलिन का बाप जो है ना हमारे अड्डे पे हमला कर दिया और हेलगॉट को ख़त्म कर दिया। क्यों झूठ बोल रही हो सर्बियन? हेलगॉट को ख़त्म कर दिया? हेलगॉट को तुमने आगे कर दिया अपनी जान बचाने के लिए ताकि उसे वो मारता रहे और तब तक तुम भाग सको। मुझे पता है तुम किस तरीके की लड़की हो, तुम हमेशा अपना अच्छा चाहती हो, दूसरे का कितना भी बुरा हो तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज हेलगॉट मरा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से मरा है, समझी ना दीदी? अरे तू पागल हो गई है क्या सर्बियन? चल निकल यहाँ से मेरे साथ जल्दी से, नहीं तो हम सब यहाँ पे हम मारे जाएंगे। और तू जितने हमदर्द बनती है ना हेलगॉट की, मुझे सब पता है, तुझे उससे प्यार था ना, इसीलिए उसकी तरफदारी कर रही है। और बहन तेरे लिए कुछ नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं है सर्बियन, मैं सिर्फ इंसाफ के खिलाफ बोलती हूँ। मैं कहती हूँ आखिर तुम ऐसा काम क्यों करती हो जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। अच्छा चल मेरे साथ चल, फालतू की बहस लड़ाने का टाइम नहीं है, चल निकलते हैं यहाँ से। तुम्हें जाना है तो चली जाओ सर्बियन, मैं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है मरो यहीं पे, मैं चलती हूँ यहाँ से फटाफट से निकलती हूँ और गुनाहों के देवता के पास चलती हूँ। चल भाई चल। ये प्लीज उन्हें मत मालो, प्लीज मेरी बात को सुनो, प्लीज मत मालो, वो वैसे भी बेहोश हो गए हैं, मेरी बात समझो प्लीज उन्हें मत मालो। रुक जा तुझे भी बताता हूँ, ये ले जो ज्यादा तू हमदर्द बनने आया था ना ये ले। अरे मुझे मत मालो प्लीज। ओए ब्रो अपन किसी इंसान को मारने का नहीं, समझे ना।
तुझे भी मार दूंगा, तू भी मरेगा। ये जो सर्बियन डांसिंग लेडी बाप अब बेटे में लड़ाई करवा गया है, ठीक है मैं चलती हूँ, सुलह करती हूँ। मैं उसकी जादू खत्म कर दूंगी जो कब्जे में की है सर्बियन, तो खुद ही ठीक हो जाएगा वो। ओए बिड़ू मेरे को मत मार। मारूंगा। एक मिनट, मेरी बात को तुम लोग ध्यान में सुनो, समझे ना? तुम लोग पीछे जाओ, मैं इसका दिमाग ठीक करती हूँ। ठीक है, पढ़ती हूँ मैं मंत्र। जो मंत्र से सर्बियन डांसिंग लेडी ने तुझे कब्जे में किया था ना, तब मैं वो मंत्र पढ़ती हूँ। नहीं नन, तुम मुझे नहीं मारोगी। मैं तुझे मारूंगी नहीं, तेरा दिमाग ठिकाने लगाऊंगी। ठीक है, जो सोया है सदियों से साग जाए, या तू है ये भूत आत्मा तेरे अंदर से निकल जाए और तू फ्रैंकलिन का भाई नॉर्मल बन जाए। अरे ये क्या हो रहा है, ये तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ पे कैसे आ गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको मैं तुम्हें समझाती हूँ। अरे भाई तुम कौन हो इतनी खतरनाक सी शक्ल वाली? अरे मैं तेरी मदद कर रही हूँ रे बेवकूफ। मैं क्या कह रही थी कि तू एक छोटा सा बच्चा था 16 साल का, तब मैं सर्बियन डांसिंग लेडी तुझे यहाँ से चुरा कर लेकर चले गए थे और अपने कब्जे में रखा था तुझे। तुझे 6 सर वाला इंसान बना दी थी और तुझसे सारे खराब काम करवाती थी, सबको मरवाना, पिटवाना, खजाना करवाना, चोरी लुटवाना, सब यही सब करवाती थी सर्बियन। जब मैं देखी कि तू अपने बाप से लड़ाई कर रहा है, मुझे नहीं सबर हुआ, क्योंकि बाप बाप होता है, इसलिए मैं तुझे होश में लेकर आ गई, समझी ना? तू अपने बाप पे हमला कर रहा था ना, देख तेरा बाप भी होश पड़ा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने डैड को क्यों मारूंगा? डैड, मेरे डैड भी होश हो गए, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। और ये कौन है? ये तो हेल गॉड है। यार दोस्तों मैं कितने साल से अपने होश में नहीं था, मेरे अंदर पता नहीं कौन सी रूह डाल दी थी सर्बियन डांसिंग लेडी, जिसकी वजह से मैं एक शैतान बन चुका था। और मेरा भाई फ्रैंकलिन कहाँ है? फ्रैंकलिन, ओ भाई फ्रैंकलिन, मेरे भाई को फ्रैंकलिन को क्या हुआ? अरे सर्बियन डांसिंग ने उसकी आत्मा को किडनैप किया है, अगर वो अब उठेगा तो उसके अंदर शैतानी आत्मा जागेगी और मुझे जहाँ तक के लग रहा है कुछ कुछ हावी हो गई होगी फ्रैंकलिन के ऊपर। ठीक है देखती हूँ उसका मुंह। देखा तुमने, फ्रैंकलिन की आंखें खुली हैं, हाथ पैर काम कर रहा है, पर वो धीरे धीरे एक शैतान के रूप में बदल रहा है। अरे नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे फ्रैंकी में भूत नहीं बन सकते हैं। मैं ऐसा, तुम झूठ बोल रही हो ना नन, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यार ये क्या हो गया फ्रैंकी मैया के साथ? ओए बिड़ू, फ्रैंकलिन को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और फ्रैंकलिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, घबरा मशीन चैन तू। मेरे भाई फ्रैंकलिन उड़ जा, मैं तेरा भाई रॉकी, प्लीज उड़ जा फ्रैंकलिन। यार ये क्यों बोल नहीं रहा मेरा भाई फ्रैंकलिन? ये इसका चेहरा भूत की तरीके होता चला जा रहा है, ये इसके ऊपर भूत हावी हो रहा है, मैं क्या करूं? नन तुम ही कुछ बताओ, इसका हल क्या है? नन जल्दी बताओ इसका हल क्या है, मेरा फ्रैंकलिन भूत बने, इससे पहले उसे इंसान बनाना है। अरे हाँ जल्दी जल्दी बताओ ना, और हाँ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज अगर न किए हो आप लोग, ताकि मेरे फ्रैंकी मेरा ठीक हो सके। इसको आप खाली सर्बियन डांसिंग लेडी ही ठीक कर सकती हैं और कोई भी नहीं कर सकता इसे ठीक, के ठीक होने के लिए हमें सर्बियन डांसिंग लेडी को ढूंढना पड़ेगा और जब तक ये ठीक नहीं होता इसे इंसानों से दूर अलग रूम में बंद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये इंसानों को खाएगा, उनका खून पिएगा, इंसानी के लिए ये एक दानव बन जाएगा। तो पहले ठीक है तुम लोग रोना धोना बंद करो, अपने डैड को उठाओ, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं और फ्रैंकलिन को लेकर चल के एक कमरे में बंद कर देते हैं, समझे ना? तुम सब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अबे यार मैंने अपने डैड को भी मार दिया, क्या मुसीबत मेरे ऊपर आई है दोस्तों। तो ठीक है मैं अपने डैड को उठा के लेके चलता हूँ और नन तुम उठा लो मेरे फ्रैंकलिन को और हम लोग दोस्तों जा रहे हैं अपने डैड को हॉस्पिटल में भर्ती करने। मेरे डैड तो दोस्तों ठीक ही हो जाएंगे, बाकी रही फ्रैंकलिन की बात, वो बहुत 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 भारी मुसीबत में फंस चुका है, उसके अंदर एक शैतानी रूह बस रही है धीरे धीरे करके, जो इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट से मैं पार्ट 3 जरूर लिखिएगा। अगर आप पार्ट 3 लिखेंगे तो आगे आप देख सकेंगे हम फ्रैंकलिन को कैसे ठीक करते हैं, तो प्लीज फ्रैंकलिन के लिए प्लीज कमेंट्स में पार्ट 3 जरूर लिखिएगा। हमारी वीडियो आपने यहाँ तक के देखा इसके लिए थैंक यू, बाय बाय। तो ठीक है ना, तुम फ्रैंकलिन को फटाफट से लेकर चलो और मैं अपने डैड को लेकर चलता हूँ।